नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां बीते रात जोरदार बारिश हुई। आधी की रात को यानी आधी रात को बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से कई घंटों तक जारी रही। बारिश के साथ आसमान में काफी देर तक आसमान में बिजली भी चमकती रही। काफी तेज बारिश होने के कारण पटना के कई मोहल्ले में जल जमा हो चुका है। इस मौसम विभाग में यानी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पटना में जो ताजा आंकड़े जारी किए कि उसके मुताबिक 25 जून के शाम 8:30 बजे से लेकर 26 जून की सुबह 5:30 बजे तक पटना में 145.4 मिलीमीटर बारिश हुई। महज कुछ घंटों के अंदर 145 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से राजधानी पटना के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा। शाम तक जो मोहल्ले और सड़कें सूखी हुई थी, अभी वहां घुटने भर पानी जमा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हाल देख रहे जा रहे हैं। बारिश के बाद बोरिंग रोड, एयरपोर्ट, जीपीओ समेत कई इलाकों में पानी भर गया है और यहां तक कि विधानमंडल परिसर और डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास में भी पानी घुस गया है। तो बारिश को लेकर किस तरह से हालात देखे जा रहे राजधानी पटना में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गौतम कौन ने। पटना में कल की हुई बारिश के कारण आज पटना के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कुछ दिनों पहले जो नगर विकास मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का पटना में निरीक्षण हुआ था, कई जगहों पर उन्होंने जाकर निरीक्षण किया था और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों को आश्वस्त किया था कि इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगी। देखिए, 24 घंटे में यानी 25 तारीख से लेकर 26 तारीख तक में जो पटना में बारिश रिकॉर्ड किया गया है वो 145.5 mm जो है ये बारिश हुई है। और इसके कारण जो कल देर रात तक जो बारिश हुई है, 2 बजे के बाद जो पटना में बारिश हुई है, उसका नतीजा ये हुआ कि पटना के कई जगहों में जल जमा हुआ है। तस्वीरें सुबह से ही आ रही हैं, साथ ही साथ बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पे भी और वहाँ के आसपास में कई मंत्रियों के आवास है, उन जगहों पर जो है वीवीआईपी इलाका है वहाँ पे जल जमा हो चुका है। पटना का जीपीओ जो है, जीपीओ में हम खड़े हैं और यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा ये परिसर जो है जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं या तो पैंट ऊपर करके आ रहे हैं या पानी में डूब कर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुबह से ही जो है इस तरह की स्थिति पटना के कई इलाकों में जो है वो हो गई है। और आप नज़ारा देखिए कि पटना का ये जीपीओ का इलाका है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने में किस तरह से कठिनाई हो रही है। देखिए, एक हमारे पीछे एक आदमी आ रहे हैं, बाहर से तो सूखे आए हैं मगर पानी जीपीओ में प्रवेश करना है, तो देखिए पैंट अपनी ऊपर कर ली और चले वो अपने ड्यूटी पर। जो भी काम है उनसे जान लेते हैं कि पटना की बारिश, यहीं पे काम करते हैं क्या? हाँ, यहीं ड्यूटी करते हैं। पैंट ऊपर करके आज जाना पड़ रहा है, रोजाना होता था या पहली बार ऐसा हुआ? प्रकृति का मार है तो इसको क्या, मगर ये स्थिति पहली देखने को मिली थी पहले बार न, इस बार आई है। इस बार आई, देखिए पहले ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। देखिए ये देखिए, जो पानिया में गाड़ियां गुजर रही हैं वो तो गुजर जा रही हैं, मगर जिन लोगों के पास पैदल चलने का सहारा है वो इसी तरह से पार लग पाएंगे। पूरा पटना जीपीओ का जो ये परिसर है आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीर में, ये जलमग्न है। जो भी लोग यहां पे पहुंचे हैं इसी पानी में आ रहे हैं। और देखिए, नगर निगम की तरफ से बातें जरूर कही गई हैं, पटना में कई जगहों पर जल जमाव जो होता था वो जल जमाव कम हुआ है, मगर अभी भी जो है पटना के कई इलाके में भी वीआईपी इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और पानी निकालने के लिए निगम की कार्रवाई जो होनी है वो होती रहेगी, मगर अभी पटना में सड़कों पर निकलने वाले लोगों को जो है जल जमाव की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है। पार्सल विस्फोट मामले की जांच के लिए एनआईए के 3 सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंची है। दरभंगा पहुंचकर एनआईए की टीम ने सबसे पहले मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी अजिताव कुमार के साथ बैठक करते हुए वर्तमान और पुराने आतंक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद एनआईए की 3 सदस्यीय टीम दरभंगा स्टेशन पहुंची और विस्फोट स्थल का निरीक्षण किया। वहीं बता दें कि जीआरपी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। दरअसल 17 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची ट्रेन से उतारे गए पार्सल को जैसे प्लेटफॉर्म संख्या 2 से लाकर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रखा गया, उसी दौरान पार्सल के अंदर विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद जब पार्सल को खोला गया तो पार्सल के अंदर से कपड़े के साथ एक छोटी सी बोतल मिली। दिल्ली से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने बयान से सुर्खियों में बने हुए हैं।
इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया अपने विधानसभा क्षेत्र में। जनता के बीच उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान से राजनीति तेज हो गई है। इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि वे सपना देख रहे हैं। और कहते क्या है कि सरकार गिर जाएगी। और लंबे समय से इनके नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि होली के बाद, दशहरा के बाद, नए साल में, खड़मास के बाद सरकार गिरेगी। अरे जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन इनका सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, आप कभी अपने दायित्वों का निर्वहन तो कर नहीं सकते हैं, सत्ता विलाप ही करते रहिए। बिहार की जनता अच्छे से समझ गई है कि जब भी जनता को आपकी जरूरत होगी आप नदारद ही रहिए। तो बगा से खबर, चाप पहाड़ी नदी के कटाव से सड़क ध्वस्त हो गई है, जिससे कई गांव का संपर्क पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क के ध्वस्त होने के बाद नदी का दबाव पुल पर है और जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल है। पहाड़ी नदी झिकरी के जलस्तर में अचानक की वृद्धि के बाद नदी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देवरिया तरुवनवा सड़क ध्वस्त होने से कई गांव का संपर्क टूटने की खबर के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है। ये है कि जो पहाड़ी नदी है काफ़ी तेज बाढ़ आता है इसमें, और हम लोगों का जो एक बना हुआ है इसमें इसका जो मार्ग है वो कट गया है। इसके चलते हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के पास सूचना दिया, जो टीम यहाँ पे पहुँची हुई है, और काफ़ी तेज बहाव के चलते रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम लोगों का आवागमन बघा प्रखंड जाने तक यही एक मुख्य मार्ग है। अभी तो हम लोग काफ़ी कष्ट करके 5 किलोमीटर दूरी होके हम लोग अपना बाजार या प्रखंड। सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 24 में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग में एक घर सहित घर में रखा सारा सामान खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि जब तक दमकल के सहारे आग पर काबू पाया जा सका तब तक एक घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और बताया जा रहा कि स्थानीय निवासी विनय कुमार झा के मकान में गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर अग्निशामक दल के पहुंचने के बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गृह स्वामी ने कहा कि इस आगलगी में करीब 3 से 4 लाख की क्षति हुई है। सिलेंडर से जो है सो आग लगी। कोई नुकसान? हाँ, सोना एक भरी, 1 लाख नगद, 91,100 रुपया नगद, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, बैंक चेकबुक, बैंक चेक, म्यूनिसपैलिटी DD, म्यूनिसपैलिटी नक्शा, म्यूनिसपैलिटी होल्डिंग रसीद, सभी जमीन का कागजात एवं रसीद। अधिक जानकारी के लिए सुपौल से हमारे सहयोगी सुभाष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अपने सुभाष, आग लगने की वजह क्या रही और इस आगलगी में कितनों की क्षति हुई है? जी करिश्मा, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 की है, जहां खाना बनाने के दौरान सुबह में ही आगलगी की घटना हो गई। इस दौरान एक घर जो है, एक घर सहित घर में रखा जितना भी सामान था जलकर खाक हो गया है। काफी सारा सामान जला है। हालांकि दमकल की गाड़ी पास में ही थी, वहां पहुंच गई और आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका है। लेकिन गृह स्वामी बताते हैं कि इसमें काफी कुछ क्षति हुई है, लगभग 3 से 4 लाख रुपए के सामान की क्षति हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सुभाष। तो सिवान में अभी एक अनियंत्रित ट्रक 2 घरों में घुस गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में कराया जा रहा है।
घटना जीवी नगर थाना क्षेत्र के नथनपुरा गांव की बताई जा रही है और बताया जा रहा कि बसंतपुर के तरफ से आ रही ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और बताते चले कि एक ट्रांसफार्मर से टकराते हुए दो घरों में घुस गया, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। होने वाला है वो पलट गया और जो ट्रांसफार्मर पर लड़ा ट्रांसफार्मर भी टूट गया। उसके बाद से इन लोग का अस्थाई घर है बम बहादुर जी और रुकेश कुमार और कमलावती देवी का, वहीं दबा गए, जिससे कमलावती देवी के घटनास्थल पर मृत्यु हो गया और बम बहादुर रुकेश का सिवान सदर अस्पताल में इलाज चल। अधिक जानकारी के लिए सिवान से हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निरंजन, हादसों की वजह क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? सुबह की घटना है, आपको बता दें कि बसंतपुर की तरफ से सिवान की तरफ ट्रक आ रही थी और ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। जीवी नगर थाना जैसे ही क्रॉस किया, नथनपुरा एक इलाका है, वहां पर यह ट्रक जो है कि एक ट्रांसफार्मर से टकराई और टकराने के बाद ट्रांसफार्मर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तार टूट के नीचे आ गए और पूरा ट्रांसफार्मर तोड़ते हुए दो घरों के अंदर ये ट्रक जाके घुस के पलटी मार दिया, जिसके वजह से एक महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी है और साथ ही जो घर के स्वामित्व है मालिक घर के हैं वो एक घायल हो गए, दूसरे घर के भी मालिक घायल हो गए, जिनका अभी फिलहाल इलाज जो है सदर अस्पताल में चल रहा है और एक को एक जो है उनको गोरखपुर डॉक्टर ने उचित इलाज के लिए भेज दिया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया निरंजन। बक्सर में अपराधियों ने एक शख्स को ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। वही घटना उस वक्त घटी जब मृतक अपने दोस्त के घर से अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहा था, जहां रास्ते में अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। मृतक के छोटे भाई अजय ने कहा कि अपने परिचित के घर हुई मृत्यु की घटना के अंतिम संस्कार के लिए गए थे। गंगा घाट से अपने घर सिगनपुरा गांव स्कॉर्पियो से लौटने के दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को लेकर आक्रोशित लोगों ने डुमराव विक्रमगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर डुमराव ब्लॉक के पास मुख्य सड़क को करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सिंह की पहल पर परिजनों से बात कर जाम को हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस ने अब बता दें कि शव को अपने कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। हम तो नहीं कर सके, हम लोग बहुत सीरियस था पेशेंट, गैस्पिंग में था, हम लोग उसको प्राइवेट ट्रीटमेंट दे गए वहाँ से रेफर कर। खबर मोकामा से, जहाँ सरमेरा मार्ग के पास एक बाइक सवार युवक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए पीएमसीएच पटना ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग कर नेशनल हाईवे 82 को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कटिहार सदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को अब कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली है। जिस प्रकार से कोरोना के दूसरे लहर में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था, अब उनकी किल्लत नहीं होने वाली है। अस्पताल में अब खुद ऑक्सीजन प्रोडक्शन होकर अस्पताल में भर्ती मरीजों को लाभ मिलेगा। सदर अस्पताल के रसोई के समीप लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को स्टार्ट कर सभी तरह की जांच भी कर ली गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। कटिहार सदर अस्पताल के अलावे मनिहारी अस्पताल, बारसोई अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसकी शुरुआत जल्द कर दी जाएगी। मैं 300 PSA का ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो चुका है और अब हमारे वार्डो में ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से ही ऑक्सीजन की सप्लाई सदर अस्पताल में हो रही है। मनिहारी का जो सब डिविजनल अस्पताल है उसमें भी सारा कार्य पूरा हो गया है।
और NHAI के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई किया जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है। और मेरे नॉलेज में जो न्यूज़ दिया गया है उसके अनुसार अगले एक सप्ताह के अंदर 1000 PSA का ऑक्सीजन प्लांट मनिहारी में भी कार्यरत हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे सहयोगी रितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रितेश, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर की अगर बात की जाए तो हर जगह ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम था, हर जगह हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन जिस तरह से अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी लोगों मरीजों को, तो एक अच्छी खबर लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। निश्चित तौर पर करिश्मा, ये एक सुखद खबर है खासकर कटिहार के लिए। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी और जो ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा था, वो स्थिति अब कटिहार को नहीं फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कटिहार डिप्टी सीएम का गृह विधानसभा क्षेत्र है और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो है उनकी खास उनकी नजर रहते हैं यहाँ पे। उनके प्रयास से कटिहार में 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं, इसमें जिला पदाधिकारी के प्रयास की भी महत्वपूर्ण भूमिका कही जाएगी। जिला पदाधिकारी उदिन के पहल पे और डिप्टी सीएम के पहल पे कटिहार में 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अब काम करना शुरू कर देगा। आईसीयू की बात कर ले या कोविड वार्ड की बात कर ले, हर जगह पाइप से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हर बेड तक वो किया जा चुका है। और मनिहारी की बात कर ले, बासोई की बात कर ले, तो इन दोनों मंडल अस्पताल में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा। और दूसरी बात यूँ कह लें कि सदर अस्पताल में 220 बेड का एक बड़ा अस्पताल बनना है जिसका निर्माण कहा जा रहा है, तो उसके लिए महिंद्रा से बात हुई और 1000 PSA का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वहां भी लगने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कमी अब कटिहार वासियों को नहीं झेलने पड़ेगी। ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि सेकेंड वेव जिस तरह से आया और थर्ड वेव ना आए, लेकिन जो विशेषज्ञों का कहना है कि थर्ड वेव आना तय है तो उसके लिए कटिहार पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रितेश। तो एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो चुका है। ऐसे में कोरोना टीका के सब कमी के कारण जिले के मात्र 3 स्थानों पर ही टीकाकरण किया जा रहा है। वही अचानक टीकाकरण केंद्रों के बंद हो जाने के कारण यहाँ टीकाकरण के लिए आए लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। वही संबंध में सिविल सर्जन से जब बात किया गया तो सिविल सर्जन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीका की किल्लत के कारण टीकाकरण अभियान में कमी आई है। उन्होंने कहा कि शेखपुरा सदर अस्पताल से शेखपुरा PHC और बरविगा रेफरल अस्पताल में टीकाकरण किया जा रहा है, जबकि अन्य स्थानों पर टीकाकरण बाधित हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि 40 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा था, लेकिन दवा की आपूर्ति नहीं होने के कारण शेखपुरा में सिर्फ अब 3 स्थान पर टीकाकरण किया जा रहा है। पैंतालीस साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर जो टीकाकरण जो देहात में हो रहा था, गांव गांव हो रहा था, पंचायत वाइज हो रहा था, वो बंद है। बाकी हमारा PSC शेखपुरा में सदर अस्पताल में कहीं कहीं जो दवा है कुछ जगह सेशन 3-4 जगह हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए शेखपुरा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य को लेकर लगातार तेजी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगह टीकाकरण का कार्य रुका हुआ है, आखिर क्या वजह है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ जब सफा प्रबंधक की जानकारी ली गई तो कल सुबह में ही बताया गया था कि मात्र 73 ही डोज बचे हुए हैं, जिसके कारण 3 ही स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा और अगला जो टीका का डोज आना है वो 27 तारीख को आएंगे। तो इस दौरान हमने सिविल सर्जन से इस संबंध में बात की तो सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में पूरे 40 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा था, जिससे जागरूकता रथ के द्वारा लोग को जागरूक किया गया, जो भारी संख्या में लोग टीका करवाने के लिए केंद्रों पर आना शुरू कर दिया और वैक्सीन की कमी के कारण सभी केंद्र को अचानक बंद कर दिया गया और मात्र 3 ही स्थानों पर अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया धर्मेंद्र। पटना से खबर, जब मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है, पटना बेगूसराय लखीसराय नालंदा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी वज्रपात को लेकर भी चेतावनी दी गई है। तो बता दें कि लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है और शाम 4 बजे तक के लिए
अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौतम, एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या है ताजा अपडेट? सात जिलों को लेकर ये अलर्ट मौसम विभाग के तरफ से जारी किया गया है और ये जो अलर्ट है वज्रपात को लेकर जारी किया गया है। ये कहा जा सकता है की वज्रपात को लेकर ये अलर्ट है और मौसम विभाग ने इसको चेतावनी दी है कि उस दौरान जो है अपने घरों से बाहर ना निकले और ऐसी स्थिति में जो है खतरा जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर जो है जिला वाइज जो है प्रखंड में जो है वो इस अलर्ट को जो उन्होंने जारी किया है। पटना जिला में बता दूं अश्वंतोला, मोकामा, बेलसी, घोसवाड़ी, बख्तियारपुर, बाढ़ प्रखंड में अलर्ट है। वहीं खगड़िया, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय में जो है ये अलर्ट जो है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से किया गया। भारी बारिश के साथ साथ कब से खतरनाक वज्रपात होता है और इसी में कई लोगों की जान पिछले साल चली गई थी, मगर इस वर्ष जो है मौसम विभाग लगातार अलर्ट पहले से जारी कर रहा है और मीडिया के माध्यम से उनको निवेदित कर रहा है कि लोगों को तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम। मोकामा के हाथीदह थाना क्षेत्र के एक मार्केट से एक जालसाज ने थाने का स्टाफ बताकर ज्वेलरी दुकान से करीब 1.5 लाख के जेवर ठग लिए। वारदात होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बाइक से एक युवक ज्वेलरी दुकान पर आ धमका और दुकानदार को कहा कि तुम मोकामा थाने चलो, तुम्हारे बारे में शिकायत मिली है, चोरी का जेवरात बेचते हो और शोकेस रखे यानी 3 जेवरात भी उसने जबरन निकाल लिया। कहा कि थाने चलो, वहीं से जेवरात की छानबीन होगी। इतना कहकर जालसाज अपने बाइक पर बैठ गया और दुकानदार को कहा कि मोकामा थाने पर पहुंचो। पीछे से जब दुकानदार मोकामा थाना पहुंचकर आप बीती सुनाई तो इस थाने के सभी कर्मियों को बुलाकर पहचान कराई गई, लेकिन उनमें से कोई नहीं था। जिसके बाद दुकानदार को ठगी का एहसास हुआ और हाथीदह थाने के थानाध्यक्ष मोहम्मद शोएब अख्तर से आप बीते सुनाए। जालसाजी मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि वारदात स्थल से सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है तो उसे खंगाला जा रहा है। अररिया के फारबिसगंज के मटियारे में आपसी विवाद में भाई ने भाई को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। अस्पताल में पीड़ित की गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्णिया रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर फारबिसगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिससे मामले की पूछताछ की गई। पीड़ित व्यक्ति फल का दुकान करता था और जब वो अपने घर के पास पहुंचा तब एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति ने उसे गोली मारी और फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों भाई पे बड़ा छोटा भाई पे विवाद है और उस विवाद में गोली मारने का पैसे तू मेरा पहले भी बोला था गोली मार देगा तुमको। आज वो दुकान खुला ही था 2 महीना के बाद उसको घर लौट रहा था। घर लौटने के क्रम में एक छोटा भाई बता रहा है कि हम देखे हैं गोली मारते हुए। कौन था छोटा भाई? एक छोटा भाई था ना। कौन गोली मारा? कौन दुकान में गोली मारने के बाद गंगानंद झा के विषय में बता रहा है। कितना गोली लगा? बगा से खबर, जो अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार को 2 गोली मारी और चाकू से मारकर घायल कर दिया। रामनगर थाना क्षेत्र के हरदिया डुमरा मोड़ पर अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जख्मी मोहम्मद इस्लाम उम्र 30 जोगिया गाँव निवासी बताया गया है। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में PHC पहुंचाया, जहां डॉक्टर DS आर्या ने गोली लगने की पुष्टि की। सूचना पर स्थानीय पुलिस छानबीन में जुट गई है। 9 बजे एक पेशेंट आया जिसका नाम मोहम्मद इस्लाम, उम्र 30 साल, पिता मुस्तफा खां, घर जोगिया, जिसे चाकू लगा हुआ पीठ के ऊपरी भाग में चाकू लगा हुआ के साथ ही PSC में लाया गया था, जिसको हमारे द्वारा चाकू निकाला गया है और प्राथमिक उपचार किया गया है। प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे नीचे के स्तर पे गन शूट इंजुरी गोली लगी हुई थी। शेखपुरा जिले के बरबीघा बाईपास के NH 82 पर भयानक सड़क हादसा का मामला सामने आया,
इस हादसे में 4 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात सामने आ रही है। सभी घायलों को वरवीघा रेफर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तावापुरी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान एक 17 वर्षीय युवक अजीत कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने युवक के साथ मारपीट की और युवक के एक संबंधी को बंधक भी बना लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोड पर जा रहा था अपने घर की तरफ, फोर लाइन NH82 पर, तो मोटरसाइकिल वाला आया और पीछे से धक्का मार दिया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? कितने? उसमें 2 आदमी घायल हुआ, जिसमें कि एक दोनों को बरबीघा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद एक का रेफर कर दिया पावापुरी, जो कि मिशन चौक जीते जीते उसका जो है कि ये हो गया। और दूसरा जो है कि मंगल कुमार को जो है कि दांत टूट गया है और से पूरा हॉस्पिटल में रेफर किया गया। औरंगाबाद में बीती रात आई तेज बारिश से शिवगंज के समीप केसर नदी के किनारे बसने वाले लगभग आधा दर्जन गांव का रास्ता बाढ़ के पानी से बंद हो गया। शिवगंज के समीप स्थित बिहार और झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चावल की आपूर्ति करने वाली बाबा राइस मिल के अंदर पानी भर गया, जिससे मिल के सभी कर्मी मिल के अंदर ही कैद होकर रह गए और प्रशासन से राहत के लिए गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मदनपुर प्रखंड के शिवगंज के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के केसर नदी पर बनाए जा रहे पुल के लिए पुल निर्माण करने वाली कंपनी के द्वारा नदी के तल को 15 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं नदी के मार्ग को अवरुद्ध होने के कारण लगातार हुई बारिश से जल की निकासी नहीं हो पा रही है। वहीं बीते रात जमकर बारिश के कारण नदी अपने उफान पर आ गई और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों ने इस मामले में राष्ट्रीय मार्ग 2 पर पुल निर्माण कर रही कंपनी द्वारा नदी में बनाए गए दीवार को तोड़ने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, ताकि बाढ़ के पानी से निजात मिल सके। गांव इससे अभी तक प्रभावित हो चुका है, जिसमें ग्वाल बिगा है, आपको दरभंगा है, शिवगंज है, मतलब 3-4 गांव अभी प्रभावित हो चुका है। और सारे लोग देख ही रहे हैं कि अपने घर छोड़ छोड़ के सड़क पर उतरे हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। और प्रशासन की ओर से भी अभी तक हम लोग को जो मिलना चाहिए था वो अभी तक हम लोग का कोई व्यवस्था मिला नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हम लोग को मिला। कि प्रशासन को सूचना दी गई है? हाँ बिल्कुल, सूचना दी गई है। और सूचना देने पर यहाँ के ग्रामीणों लोग का कहना है कि हम लोग ने जो सूचना दिया उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम क्या कर सकते। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।